देश भर में कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित राजीव भवन में भी कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश की आजादी से लेकर देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस देश में सुई बनाने से लेकर मंगलयान बनाने तक का काम कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। पार्टी स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संगठन से लेकर सरकार तक के सफर को याद किया। उन्होंने कहा कि NSUI से चुनाव लड़कर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देना जानती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे सरकार को सेटल होने के लिए 2 से 3 महीने का समय दें। हर कार्यकर्ता का मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में प्रिकॉशन डोज की कमी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही वैक्सीन की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी है, वहां वैक्सीनेशन की कमी को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन स्थलों में ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर का सफर ये कांग्रेस पार्टी की देन है और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कैसे एक कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, फिर छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए, युवा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफ़र और संगठन से लेकर सत्ता तक का सफ़र हमने तय किया। ये मुझे बड़ी खुशी की बात आ रही। स्थापना दिवस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। सर, आपने 3-4 महीने की बात है, सारी चीज़ें सेटल्ड होने दो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मिनिस्ट्री में भी सोच होगी और आगे भी सोच होगी। सर, आज आपने कॉल क्यों ही कर, अभी मात्र 28 केस हैं, 1000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है, किस तरह से तैयारियां हैं? जो अभी हमारी कोविड की मीटिंग है, कोविड की मीटिंग में एक वैक्सीन जो हमारे लगी है वो अभी कम है पर कम है, उसको बारे में भी मैंने चर्चा की है और जो हमारे नीति आयोग के सदस्य अभी के पाल जी से उनसे भी बातचीत की है और जल्दी हम जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसको अमली जामा पहनाएंगे। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। टूरिस्ट इनफ्लो न्यू, देखिए मैंने कहा है कि प्रशासन किसी भी पर्यटक को तंग ना करे, कानून व्यवस्था बनाए रखे और ये भी कहा है रेस्टोरेंट, खाना खाने के ढाबे, चाय की दुकानें 2 जनवरी तक शिमला में 24 घंटे खुली रह सकती है। ये उन दुकानदारों की मर्जी पर है, कोई उनको तंग नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में जहाँ टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट प्लेस है, धर्मशाला, शिमला, मनाली, कुल्लू, कसौली में। और मनाली में क्योंकि सीजन चलता है, कार्निवल शुरू होता है, तो वहाँ 7 जनवरी तक ये खुली रह सकती है। क्योंकि टूरिस्ट जब आए तो कहीं जो ईटिंग ज्वाइंट है उसको ढूंढता ना फिरे। अगर उनको हम ढाबे वालों मेरे से मिले थे, रेस्टोरेंट वाले मुझसे मिले थे कि कुछ एक दिन हमें 24/7 खोलने की अनुमति दी जाए और पर्यटक राजा होने के रूप में मैंने ये फैसला किया है कि ये इन्हें खुली रहने की अनुमति दी जाए। OPS पे भी मीटिंग है सर, अभी OPS पर भी मीटिंग है, फिर इसके बाद हमारी एक ऑर्फेंस के लिए नालदेहरा में भी एक बैठक है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अगर मुझे चिट्ठी लिखी है उस पर मैं बात करूंगा और जो उन्होंने कहा उसको संज्ञान लिया जाएगा। पोल्यूशन पे गंभीर है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी ने काम किया, चाहे अहम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी जब भी फील्ड में उतरी तो जो काम कांग्रेस जन करते हैं वो सभी उस बात से सभी जन वाकिफ है। आज राहुल गांधी ने भी इस मुहिम में जुड़कर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। उन्होंने जितना पैदल चला है
वो वाकई बहुत सराहनीय है और सब लोग उसकी निंदा उसकी तारीफ करते हैं कि एक नौजवान सुबह 6 बजे से उठकर हजारों किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया है और हमने भी 2 मरतबा उनकी भारत जोड़ो यात्रा में मिलकर उनसे हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और जिस तरीके से लोगों का हजूम, जिस तरीके के लोगों का उत्साह, जिस तरीके से लोगों का प्यार उनको मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और अब वो यात्रा वहाँ से होती हुई पठानकोट से होती हुई शायद जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगी और वहाँ उस दिन वो अपना झंडा लहराएंगे कांग्रेस पार्टी का। और मैं समझती हूँ कि इसका बहुत अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष में गया है और सभी लोगों को ये जो जोड़ने का काम किया है इस यात्रा ने किया। संसद में आप थी, क्या हम समझे जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, सरकार केंद्र सरकार से जवाबदेही जो है मांग रहा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पर जो है सत्ता पक्ष जो है ज्यादा जो है समय लिया, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा सदन के बाहर? देखिए, हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते थे पार्लियामेंट में, जैसा ये चाइनीज लोग जो भारत की भूमि में अपना कब्जा जमा रहे हैं उसके बारे में भी हमने उनसे चर्चा मांगी, पर बड़ा अफसोस है कि हमारे को सरकार ने ना मौका दिया ना हमारी बात सुनी। हमने उसमें महात्मा जी की जो प्रतिमा लगी है उसके बाहर भी जाकर एक आंदोलन के रूप में अपना गुस्सा जाहिर किया कि आप लोग हमारे को बोलने का मौका नहीं दे रहे, ना हम विधानसभा में, ना हम पार्लियामेंट में बोल सकते, ना राज्यसभा में बोल सकते। तो इसलिए हमें अफसोस है, इस बात का दुख है कि ये बात हमारी सुनते नहीं और हमारे को बहस में भाग लेने का। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।